ओपन ट्रिप की ब्रांड न्यू सीरीज में आज हम सफर कर रहे हैं खामोश वाटरफॉल का, और ये सफर शुरू हो रहा है स्कर्दू शहर से। आज काफ़ी तेज़ धूप है, हो सकता है आबशार पर जाकर नहाने का प्लान भी बन जाए। खामोश आबशार के लिए आप शिखर साइट की तरफ ट्रैवल करते हैं। और स्कर्दू शहर के आखिरी इलाके हुसैनाबाद को क्रॉस करते हैं, जिसके बाद सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम हो जाती है। अगर आप मंटोखा वाटरफॉल जाते हैं तो मज़ीद अपने सफ़र में 1.5 घंटा ऐड करके इस वाटरफॉल तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये उसी सड़क पर आगे वाक़या है। हुसैनाबाद से निकलते ही कुछ देर बाद शिखर का कट आ जाता है, लेकिन हमें खामोश आबशार के लिए सीधे सफर करते रहना है। अब्दुलरहसीन का स्लेटी रंग का पानी भी हमारा हमसफर है, जो इस आबशार तक आपके साथ ही रहेगा। ये हैं हमारे शाकिर भाई, जो हमेशा की तरह स्कर्दू टूर में हमारे साथ होते हैं। इनकी मालूमात और याददाश्त इतनी अच्छी है कि जिस जगह पर कई दफ़ा जा चुके हों, पहली दफ़ा उस जगह का नाम सुनकर कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर उसी जगह पर जाकर कहते हैं उमर भाई यहाँ तो मैं बहुत दफा आया हूँ। शिखर से हुमायूं ब्रिज तक ज़्यादातर इलाका बंजर और वीरान ही है, लेकिन सड़क अच्छी है और ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ लोकल गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। खामोश वाटरफॉल जाने के लिए अगर आप स्कर्दू शहर से ट्रैवल करें तो ये तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है, जिसकी मुसाफत में आपको 3 घंटे लगते हैं। ये इलाका क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल करीब ही है, इसलिए यहाँ सिर्फ एसकॉम का नेटवर्क ही चलता है। वैसे तो यूफोन भी एसकॉम पर शिफ्ट होकर चलता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। अकोमोडेशन की बात करें तो आप शहर पर होटल मौजूद नहीं हैं, और रात रुकने के लिए आपको मेहदियाबाद बागीचा या किसी और इलाके में रुकना होगा। यहाँ एक छोटी सी कैंटीन और वॉशरूम की सहूलत दे दी गई है। इस आबशार तक आप अपनी कार पर भी आ सकते हैं।
अगर आप गाड़ी पर स्कर्दू से आबशार तक आते हैं तो इसका किराया 10 से 12 हज़ार रुपया होगा, जबकि लैंड क्रूजर 15 हज़ार रुपये के करीब चार्ज करेगी। हुमायूं ब्रिज के बाद हम लोग राइट हो गए हैं। अब सड़क पर वक्फे वक्फे से कस्बे आते रहेंगे। ये ज़िला खरमंग है, जिसका सदर मुकाम मेहदीआबाद है। इस सड़क पर फ्यूल और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं, जबकि कहीं कहीं होटल भी मौजूद हैं। सड़क नहायत खूबसूरत कस्बों और देहातों से गुजर रही है। जहां सड़क पर कोई देहात आता है तो फसलों के अलावा दरख्तों में भी एकदम से इजाफा हो जाता है, जो मंजर और सफर दोनों को हसीन बना देता है। ज़िला खरमंग में एंटर हों तो चेक पोस्ट पर एंट्री कराई जाती है। आपकी मालूमात नोट करके आपको शनाख्ती कार्ड वापस दे दिया जाता है। एक जगह लैंडस्लाइडिंग की वजह से स्पीड थोड़ी कम करना पड़ी। अभी हम ससपोलो गांव से गुजर रहे हैं। इस रीजन में एक खास सेब पैदा होता है, जिसे ससपोलो कहा जाता है। ये अपने जायके और मिठास की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बल्तिस्तान में सेब फेस्टिवल भी इसी मुकाम पर लगता है। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ऐसे सफ़र करना एक आम सी बात है, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्तिस्तान में सेब फेस्टिवल भी इसी मुकाम पर लगता है। अभी हम दरिया सिंध के साथ साथ उस मुकाम की तरफ जा रहे हैं जहां से ये दरिया पाकिस्तान में दाखिल होता है, लेकिन ऑब्वियसली सियाहों को उस एरिया में जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि वो सारा एरिया बॉर्डर एरिया है। अभी बागीचा के करीब हैं हम, और सड़क पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से ब्रेक लग गई है। 20 से 25 मिनट का सफ़र रह गया इंशाल्लाह। ये देखें, आखिरी 2 से 3 किलोमीटर सड़क थोड़ी ख़राब मिली, मगर ओवरऑल सड़क नहायत बेहतरीन थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग पहुंच गए हैं खुमश वाटरफॉल। इसे खामोश वाटरफॉल कहते हैं, वैसे इसका नाम इसका खुमश है।
और खामोश के नाम से ये मशहूर हो चुकी है। 3 घंटे का सफ़र था, आखिरी 2-3 किलोमीटर पर सड़क ख़राब है, ओवरऑल सड़क बहुत अच्छी है। 2018 में जब मैं आया था तो सड़क काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आबशार है। वाटर फ्लो थोड़ा कम है लेकिन बट स्टिल बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। खामोश आबशार अपने नाम की तरह बिल्कुल भी खामोश नहीं। इसका शोर इस कदर ज़्यादा है कि आप इसके करीब ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। अल्लाह की कुदरत देखिए, एक पहाड़ के ऐन दरमियान से पानी नीचे आ रहा है। यूँ लगता है कि जैसे पानी ने ख़ुद अपना रास्ता चुना हो। पीले रंग का पहाड़ और बुलंदी से गिरता दूधिया रंग का पानी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। सुभान अल्लाह। लो जी, पहली दफ़ा हम आए यहाँ पे खामोश वाटरफॉल में, और मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना पावर से पानी ऊपर से नीचे आता है। आप एक हद तक इसके पास जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आगे जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा आपको पीछे फेंक रही है, इतनी ज़्यादा कोर से पानी नीचे आ रहा है। और जो लैंडस्केप है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। पहली साइड जब आप इसको देखते हैं ना तो आप एक मिनट के लिए चुप हो जाते हैं कि यार ये मैं किधर आ गया, इतनी खूबसूरत जगह है, मज़ा आ गया। और आप अभी बहुत दूर होते हैं वाटरफॉल से और आप गीला होना शुरू हो जाते हैं। हमारे कपड़े ऑलमोस्ट सारे गीले हो चुके हैं। आज हमने वापस यहाँ से स्पर्दू सिटी नहीं जाना, खपलू जाना है, तो हमारे पास कपड़े हैं लकीली, इसलिए फिर मैंने कहा गीला होने देते हैं। और माशाल्लाह ड्रोन की फ्लाइट भी हमने यहाँ पे ले ली है। थोड़ा और रोमिंग करते हैं यहाँ पे, जरा एक्सप्लोर करते हैं मजीद, थोड़ा और गीले होने हैं और फिर चल के ना धूप में बैठते हैं। अभी थोड़ा ऊपर भी चलते हैं। Thank you.
यहाँ एक कैंटीन मौजूद है, जबकि रात रुकने के लिए आबशार पर कोई होटल नहीं है। यहाँ सयाहों के अलावा मकामी अफराद की भी एक बड़ी तादाद आती है। और अभी आबशार पर वॉशरूम भी बना दिए गए हैं। हाँ जी, तो एक राउंड हमने और मारा है कोमस के सराउंडिंग में और थोड़ा सा और गीले भी हुए हैं। 3 साल से बच्चा मुझे सुना रहे थे कि यार तूने कोमस नहीं देखी तो तूने कोई आबशार नहीं देखी, तो मुझे आज लगा कि वाकई सही सुना। इससे पहले मैं नहीं मानता नहीं भाई, इससे पहले नहीं मैं मानता था, लेकिन वाकई इसका जो फॉल है और जो इसकी ब्यूटी है वो वाकई बहुत डिफरेंट। असल में जितनी भी हमने आबशारें देखी है ना, वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं हुई नहीं कि प्रॉपर एक डी शेप में पहाड़ है और उसके बिल्कुल सेंटर में से पानी नीचे गिर रहा है और अभी इसका फ्लो थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, हाँ, फ्लो इसका जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना गिला, ये सारा फ्लो होता है और ऐसा होता है जैसे दरिया नीचे आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हम यहाँ पे और थोड़ा सा चिल करेंगे, अभी जाने का दिल नहीं कर रहा, हालांकि हमें आज पहुँचना जल्दी है, लेकिन मुझे लगता है अभी हम थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करेंगे अभी। लेकिन ये है कि थोड़ी चाय पी लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग मिल्कशेक पिया था, तो बस वो खा लेते हैं और थोड़ा और रेस्ट करके तो फिर जाते हैं। जी तो खामोश आबशार मेरे पीछे आप देख रहे हैं और उसके आगे आप मुझे देख रहे हैं और सेंटर में ये लोग देख रहे हैं। तो एपिसोड हो गया है हमारा एंड। ये तकरीबन 70 किलोमीटर फरमंग है और तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर आगे खुमाशी, ये तकरीबन 110-120 किलोमीटर बनती है। ये मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, वैसे गूगल से भी हम इसको चेक कर लेंगे। 3.5 से 4 घंटे इसको लगते हैं यहाँ पहुँचने में, लेकिन सड़क बहुत अच्छी है और आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर वॉशरूम भी हैं लेडीज़ के लिए, रेस्ट प्लेस भी यहाँ पर बनाई हुई है और फैमिली प्लेस है, अच्छी प्लेस है, सड़क अच्छी है, तो फैमिली बिल्कुल यहाँ पे आ सकती है। और अगर आप सेम डे में वापसी चाहते हैं तो आप टाइमली निकलें, सुबह 9-10 बजे तक मैक्सिमम निकलें, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा टूर होगा। और आज के एपिसोड के बारे में मुझे रिव्यू दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कर्दू सीरीज़ में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी जगह जिसे जिन्नात की झील कहा जाता है। मैं सुनाऊंगा इस सफ़र की सारी दास्तान, लिहाजा स्टे ट्यून्ड। और अगर आप कश्मीर का नहायत खूबसूरत पिकनिक स्पॉट देखना चाहते हैं जहां जाना भी नहायत आसान है तो यहां क्लिक करें, और अगर सफ़र देखना चाहते हैं पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सड़क का तो यहां क्लिक करें। ग्रिपो ट्रिप पर मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।